अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। दौरान सफर ट्रक के अंदर से वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया। चंद लोग ट्रक के अंदर से कुछ ऐसा कर रहे थे जिनकी वीडियो पीछे से आने वाली कार वाला मोबाइल पर बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड होती वायरल चली जाती है और इस वीडियो को लाखों लोग देख कर लाइक करके शेयर कर रहे हैं। आप सबसे गुजारिश है की वीडियो को एंड तक लाजमी देखना। नाजरीन किन किन इलाकों से आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं कॉमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि मुझे पता चल सके कि किस किस इलाके से मेरी वीडियो देखी जा रही है। नाज़रीन करामी, अल्लाह ने हमें मुसलमान पैदा किया है। मुसलमान होने के नाते हमें अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्लाम के असूलों को अपनाकर अपनी जिंदगी गुजारनी चाहिए। वाहिद मजहब इस्लाम ही है जो बराबरी का दर्स देता है और ये मजहब इस्लाम ही है जिसने मर्दों, औरतों, बच्चों और बुजुर्गो के हकूक राइज करके एक ऐसे असूल मुरतब किए हैं जिनसे हमारी जिंदगी खुशहाल और पुरसकून गुजर रही है। जब इस्लाम ने हमें इस कदर जहनी सुकून और रूहानी इत्मीनान बख्शा हुआ है तो हमारा भी फर्ज है कि हम भी इस्लाम के असूलों को फॉलो करके अल्लाह और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए तरीके के मुताबिक अपनी जिंदगियां गुजारें। नमाज रोजे की पाबंदी करें, जकात अदा करें, गरीबों और मस्कीनों का ख्याल रखें। नाजरीन आज की वीडियो में ट्रक में मौजूद इन मुसलमानों ने इस्लाम की एक ऐसी मिसाल कायम कर दी है जिसको देख कर आप भी हैरान हो जाएंगे। दौरान सफर ट्रक में मौजूद कुछ मुसलमान जब नमाज का टाइम होता है तो ट्रक के अंदर बाजमात नमाज अदा करने लग जाते हैं। जिनकी वीडियो पीछे से आने वाली कार से कोई शख्स अपने मोबाइल के कैमरे से रिकॉर्ड करके सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है जो कि बड़ी तेजी के साथ वायरल चली जाती है। नाजरीन मैं तो इन मुसलमानों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी नमाज को कजा होने से बचाने के लिए न सिर्फ नमाज अदा की बल्कि बाजमात नमाज अदा करके अल्लाह की खुशनुदी हासिल की। नाजरीन अक्सर आपने देखा होगा की हम नमाज के लिए तरह तरह के बहाने बनाते रहते हैं की कपड़े पाक नहीं है, जगह पाक नहीं है, सर्दी है, सफर में है, बीमार है, लेकिन इन मुसलमान भाइयों की वीडियो ने उन सब के लिए एक बेहतरीन सबक दिया है जो अपनी नमाज कोई बहाना बनाकर छोड़ रहे होते हैं। नमाज के जरिए ही मुस्लिम और गैर मुस्लिम का फर्क मालूम होता है। नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज आखिरत में निजात का जरिया है, तो फिर हम क्यों नमाज को तार कर देते हैं। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों को नमाज को पढ़ने और नमाज को कायम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करके शेयर लाजमी कर दिया करें। इजाजत चाहता हूँ, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।